बारहवीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद ही छात्र हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूलों की कॉलेजों की तलाश करते हैं। वहीं आगरा की बात करें तो सेंट जॉन्स कॉलेज छात्रों की पहली प्राथमिकता रहता है। वहीं सेंट जॉन्स कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और आपको बता दें 8 और 9 तारीख को इसकी काउंसलिंग होनी है, तो आज भी इसकी काउंसलिंग है जो 10 बजे से शुरू होनी है। सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। एडमिशन प्रोसेस सत्र 23-24 के लिए आरंभ हो चुकी है और कॉलेज की वेबसाइट जो है sjcagra.ac.in पर लगातार मेरिट लिस्ट जो है पोस्ट की जा रही है और हर विभाग अपने अपने प्रवेश से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट पर निरंतर पोस्ट कर रहा है और बच्चों से अपेक्षा है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, अपने एक फोटोग्राफ को और फीस को और जो एडमिशन फॉर्म की स्लिप मिलती है उसको साथ लेकर आएं। साथ ही साथ वेब रजिस्ट्रेशन का पेपर भी लाना अत्यंत आवश्यक होगा। तो चूंकि सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हुई हैं इसलिए भौतिक रूप से जो भी उनके मूल दस्तावेज हैं उनका सत्यापन जो है वो काउंसिलिंग के समय किया जाता है और विषयों का भी आवंटन उपलब्धता के आधार पर और मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। कुछ काउंसलिंग ओवर हो चुकी है और जैसे अभी 8 और 9 को बीए की प्रथम वर्ष की काउंसलिंग है उसकी सूचना आ चुकी है, कल प्रातः काल 10:30 बजे से उसका आरंभ हो जाएगा। निर्भर करता है, इस बार टर्नआउट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है क्योंकि नॉर्मली जब हम एक लिस्ट निकालते हैं तो साथ में प्रतीक्षा सूची भी संलग्न करते हैं, तो यदि प्रतीक्षा सूची से विद्यार्थी पूरे नहीं होते हैं तो द्वितीय मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, अन्यथा उसी के अंदर जो है वो विद्यार्थियों का समायोजन हो जाता है।